नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। लखनऊ संवाददाता अनुराग कश्यप की रिपोर्ट, समाजवादी पार्टी की ओर से जरूरतमंद सैकड़ों परिवार को ईद के मौके पर पश्चिम विधानसभा के पूर्व विधायक मोशून रेहान नईम के द्वारा बांटे गए ईद में डब्बे। आने वाली ईद में मद्देनजर ईद के सामान के डिब्बे राजाजीपुरम के पत्थर वाली मस्जिद के पीछे बांटे गए। यहाँ पर मोहम्मद नईम के साथ अब्दुल अजीम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सामान बांटते समय पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया गया। सैकड़ों लोगों के चेहरों पर आई मुस्कान ईद का सामान पाकर। आज मेरा नाम मोहम्मद तकी लखनवी है, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ। आज हम लोगों ने 28वें रमजान को गरीब आवाम के बीच में राहत सामग्री जैसे ईद में ईद परसों है, तो उस वजह से हम लोग ने देखते हुए जो गरीब आवाम की परेशानी है उसको देखते हुए तो हम लोगों ने राहत पैकेट जो बनाए थे जो जरूरतमंद थे 150-200 के करीब, तो उन लोगों को जरूरतमंद को राहत पैकेट हम लोगों ने सामग्री बांटी है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है और किसी भी ज़रूरी बात जो शासन की तरफ से जो आदेश थे उनका पूरा ख्याल रखते लगभग हम लोग ने 150 लोगों को राहत पैकेट बांटा है। नहीं, किसी संस्था की तरफ से भी, जिस तरह से जब से लॉकडाउन हुआ है उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक आदेश दिया था अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कि ज़रूरतमंदों की मदद करें। जिस तरह से अभी परसों ईद है तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने उन लोगों की मदद की।